नमस्कार, आज अपन बात करेंगे पटना के खान सर की। पटना के खान सर बहुत ही कम समय पर YouTube पर इतने फेमस हुए कि अभी उनके चैनल पर 1,40,00,000 सब्सक्राइबर हैं। खान सर YouTube पर इतने पॉपुलर क्यों हैं? उनके वीडियोस के स्टूडेंट इतने दीवाने क्यों हैं? आखिर वो ऐसा क्या बताते हैं उनके वीडियोस में जो इतने कम समय में इतने पॉपुलर हुए? और वो अक्सर विवादों में भी रहते हैं। अभी हाल ही में बिहार में स्टूडेंट ने उपद्रव किया, प्रोटेस्ट किया, उसमें भी उनका नाम आया, उनके खिलाफ FIR भी हुई। आखिर खान सर बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाते हैं? वो कोचिंग चलाते हैं, वीडियो में ऐसा क्या करते हैं वो कि लोग उनके इतने दीवाने हैं और इतने कम समय पर YouTube पर फेमस हुए और टॉप टेन ट्रेंडिंग में उनका नाम चलता है YouTube पर। आज इनके बारे में अपन जानेंगे, आइए देखिए। खान सर मूलतः कहते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। ये बिहार पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अभी वर्तमान में बिहार पटना में अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ये YouTube पर इनका एक चैनल भी है, YouTube पर इनका चैनल है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है खान GS रिसर्च सेंटर। इस YouTube चैनल के 1.45 करोड़, देखिए आप, 1.45 करोड़ सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के, फॉलोअर्स हैं। इन्होंने 25 अप्रैल 2019 को ये YouTube चैनल बनाया था। देखिए आप, इतने कम समय पर, सबसे बड़ी नोट करने वाली बात होगी, आप देखिए आप इतने कम समय में और इतने कम वीडियो इन्होंने अपने चैनल पे वीडियो कितने डाले, देखिए, मात्र 330 वीडियो डाले। लोग हजारों वीडियो डाल देते हैं फिर भी इतने सब्सक्राइबर नहीं बनते हैं। 5-5, 10-10 साल तक यूट्यूब पर मेहनत करते हैं फिर भी इतना सब्सक्राइबर नहीं बनते। इन्होंने मात्र 3 साल में 1.45 करोड़ तो सब्सक्राइब कर लिया अपने, और मात्र 330 वीडियो से। अब आप देखिए, ऐसे सिर्फ 330 वीडियो में इन्होंने ऐसे क्या डाले, और बहुत सारे वीडियो तो ऐसे हैं जिनके करोड़ों बार देखा गया, 4-4, 5-5 करोड़ बार देखा गया, ऐसे वीडियो भी हैं। तो आखिर ये वीडियो में ऐसा क्या डालते हैं और कैसे ये वीडियो बनाते हैं, आज इनकी यूट्यूब सक्सेस जर्नी के बारे में अपन बात करेंगे। इनका इतने कम समय में, इतने कम वीडियो में इतने पॉपुलर हुए ये। इनके पिता व भाई सेना में हैं, इनके पिता व भाई सेना में है, भारतीय सेना में। ये भी सेना कहते हैं, ये भी सेना में जाना चाहते थे। इन्होंने इंडिया का एग्जाम भी दिया और कहते हैं इन्होंने क्लियर भी कर लिया, पर मेडिकल में ये पास ना हो पाए। इंडिया का एग्जाम दिया इन्होंने, पास भी हो गए, लेकिन मेडिकल एग्जाम में फिट नहीं हो पाए और ये सेना में नहीं जा पाए। फिर तब इन्होंने बिहार पटना में कोचिंग सेंटर खोला अपना, और आज पूरे भारत में इतने फेमस हो गए यूट्यूब पे कि हर जगह इनके ही वीडियो चलते हैं। आज अपन मेन पॉइंट की बात करेंगे, अपन ये बात करेंगे यूट्यूब पर आखिर इतने कम समय पे और इतने कम वीडियो में ये फेमस कैसे हुए, इसके बारे में अपन बात करेंगे। फेमस कैसे हुए, क्या कारण थे, आज नए यूट्यूबर को इन खान सर से सीखना चाहिए कि आखिर खान सर YouTube पर इतने कम वीडियो में, इतने कम समय में फेमस कैसे हुए। अगर कोई आज नया YouTube चैनल पर आना चाहता है और अपना नया YouTube चैनल बनाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं YouTube पर कुछ ग्रो करूँ, तो खान सर से सीखना चाहिए उसको कि आखिर किस तरीके के वीडियो डालें, उन वीडियो में जान कैसे डालें और कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, ये खान सर से सीखना चाहिए। देखिए आप, सबसे नंबर वन जो पॉइंट मुझे इनके वीडियो में लगा वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये करंट अफेयर्स पर वीडियो बनाते हैं। सबसे फर्स्ट बात तो ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है, जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ट्रेंडिंग पर वीडियो बनाते हैं, ताकि जो लोग ट्रेंडिंग में देखते हैं उसी पर ये वीडियो बनाते हैं, और इनका मेन फोकस यही होता है कि लोग उस वीडियो को समझें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, समझाने का तरीका, अब देखिए आप, करंट अफेयर्स पे तो बहुत से जने वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये जो इनका जो समझाने का तरीका है ना, सबसे बेस्ट तरीका है, बिल्कुल सीधी सादी और सिंपल भाषा में समझाते हैं, और ऐसा समझाते हैं ना कि कोई टिपिकल विषय भी जो एक आम इंसान नहीं समझ सकता है, अगर वो इसका वीडियो देखेंगे ना, इन खान सर का, वो समझ जाएंगे आखिर इस वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं।
खान सर जो समझाते हैं ना एक करंट अफेयर्स के टॉपिक को इतना इजी तरीके से, इतना सिंपल तरीके से, इतना उस मानचित्र वगैरह हर चीज शो करके ऐसा समझाते हैं कि एक आम इंसान, एक जो बिल्कुल ना समझ इंसान भी उनके वीडियो को समझ लेता है और इंटरेस्ट से समझता है। और जो उनके वीडियो होते हैं 15-15, 20-20 मिनट के, पूरे 20 मिनट तक वो वीडियो देखता है। तो ये होता है उनके समझाने का तरीका। इसलिए अगर कोई न्यू यूट्यूबर भी है और अगर उसको यूट्यूब में सक्सेस होना है और कुछ कुछ करना है तो अपने यूट्यूब में वीडियो में ऐसी जान डाले कि लोग आपके उस यूट्यूब जो वीडियो है उस वीडियो के दीवाने हो जाए और पूरा वीडियो देखे, अपना मतलब कि अपनी पूरी 100% क्षमता उस वीडियो में डाल दे और ऐसा करने की कोशिश करें कि लोग आपको उस वीडियो पे अट्रैक्ट हो जाए। और यही काम खान सर करते हैं। थर्ड, रिसर्च। अब देखिए आप, खान सर करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब वो करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाते हैं उनकी जो रिसर्च होती है ना उस टॉपिक पर इतनी तगड़ी होती है कि हद से ज्यादा। वो ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे सीक्रेट पॉइंट कहां से निकाल के लाते हैं जो किसी को भी पता ना होते। और वो सीक्रेट, वो रिसर्च उस वीडियो में वो डालते हैं और वही सीक्रेट, वही रिसर्च उस वीडियो को वो पॉपुलर बनाती है। उनकी जो रिसर्च होती है ना, उसकी जो उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है ना उस वीडियो के ऊपर इतनी तगड़ी होती है ना कि शायद मैंने यूट्यूब पर इतनी तगड़ी रिसर्च कहीं नहीं देखी होगी। वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल के लाते हैं ना कि हद से ज्यादा के लोग उनके दीवाने हो जाए, ऐसे पॉइंट निकाल कर दे। उनकी रिसर्च सबसे तगड़ी है यूट्यूब वीडियो में, तभी उनके यूट्यूब वीडियो करोड़ों बार देखे जाते हैं। फोर्थ, ठेठ बिहारी देसी अंदाज। उनका पढ़ाने का अंदाज देखिए आप, उनके कोई यूट्यूब वीडियो देखना आप, ठेठ बिहारी देसी अंदाज में पढ़ाते हैं। एक आम देसी लड़का पढ़ने वाला भी उनके YouTube का दीवाना हो जाता है। अब दूसरे जगह तो उनके पॉपुलर कम है, लेकिन यूपी और बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि आप देख सकते हो कि उनके कितने सारे फॉलोअर्स हैं। उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, बिल्कुल ठेर देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, बिहारी भाषा में बोलते हैं और टॉपिक को ऐसा समझाते हैं ना कि बिल्कुल ना समझ इंसान भी उस वीडियो को समझ जाता है। तो ये उनका तरीका है, इसलिए इनके इतने फॉलोवर्स हैं और इनके YouTube, इनके जो YouTube वीडियो है ना इनमें करोड़ों व्यूज आते हैं। फिफ्थ, मानचित्र विशेषज्ञ। ये कोई भी टॉपिक लेते हैं ना, उस टॉपिक को मानचित्र के जरिए ऐसा समझाते हैं ना कि आम आदमी को भी वो चीज़ समझ में आ जाती है। बाकी अगर वो ऐसे ही सिंपल समझाएंगे तो किसी को समझ में नहीं आती है। वो हर एक चीज़ को मानचित्र के द्वारा समझाते हैं और एक एक टॉपिक को एक एक चित्र के द्वारा समझाते हैं, तो एक अच्छा सा समझ में आ जाता है हर किसी को भी। तो ये पांच पॉइंट्स है YouTube पर खान सर के, जो अपने वीडियो में ये उनकी ये जान डालते हैं उस वीडियो में खान सर। इन पांच पॉइंट्स की वजह से तभी इनके वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आते हैं और इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो मैं नए यूट्यूबर को कहना चाहता हूं कि अगर आप भी किसी भी पॉइंट्स पर, किसी भी विषय पर आपका चैनल है, आप भी यूट्यूब पर फेमस होना चाहते हो, तो ये पांच बातें आप नोट कर लें, अपने वीडियोस में जान डालें। आप चाहे किसी भी विषय पर वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो पर 100% डालें और ऐसा डालें कि एक बार अगर कोई ऑडियंस आपके पास आपके वीडियो में आ गई तो दोबारा वापस ना जा पाए। 100% दे अपने उस वीडियो को। और जो भी आप वीडियो बनाए ना उस वीडियो पर पूरी तरह से रिसर्च करें। कोई भी ऐसी रिसर्च नहीं छूटनी चाहिए जो ये खान सर करते हैं। अगर आप भी ये खान सर की ये बातें फॉलो करोगे ना यूट्यूब पर, तो आप भी यूट्यूब पर सक्सेस हो गए और लाखों करोड़ों फॉलोवर्स भी आपके भी हो सकते हैं। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।